जिलाध्यक्ष पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला आसिफ लोन ने आज एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया आज 25 फरवरी को जिलाध्यक्ष पीपल्स कॉन्फ्रेंस बारामूला आसिफ लोन ने मीडिया से बातचीत करते हुए बेरोजगारी जैसे ज्वलत मुद्दों को उजागर किया उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी समाज में सभी बुराइयों का मूल कारण है उन्होंने यूटी में बेरोजगारी पर उपराज्यपाल अजय मनोज सिन्हा पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि नशीली दवाइयों का खतरा आत्महत्या में वृद्धि बेरोजगारी की उपज है उन्होंने इन सभी मुद्दों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की और कहा कि सरकार इन सभी मुद्दों को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए उसको पकड़ा जाता है ये आप इस सोच में नहीं जाते कि ड्रग पेडलर बन कैसे जाते हैं ये कश्मीर में ही क्यों है इतना क्योंकि यह साफ सी अब बात है जब आपके पास यहां के बच्चों के लिए रोजगार देने के लिए कुछ नहीं है आप तो सत्तर साल की पुरानी बातें करते हैं सत्तर सालों में यहां सियासी पार्टियों ने कुछ कुछ नहीं किया हम जी यहाँ कुछ करेंगे क्या किया आपने आपने हमारी स्टेट को पहले नंबर पे बेरोजगारी में डाल दिया अनएम्प्लॉयमेंट स्टेट में पहले नंबर पे हमारी जम्मू कश्मीर की यूटी है। पे आपको चाहिए था ये बेरोजगारी खत्म करनी मगर आपकी इस बेरोजगारी की वजह से हमारे बच्चे जो है वो ड्रग के शिकार हो गए हैं अभी आप देखिए कश्मीर में सबसे मेरे ख्याल से आप नंबर वन पे ड्रक भी, ड्रक पेडलर्स भी नंबर वन पे पांच किलो हम राशन फ्री में देंगे कश्मीर के इनको हाउस को मुझे एक चीज बताइए आपको भी हम पांच किलो राशन देंगे महीने का आप पांच किलो राशन महीने में कर सकते हैं अपना पूरा महीना निकाल सकते हैं जबकि गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट क्या जब सर्वे किया जाता है कि एक फर्द एक इंसान एक महीने में 12 से 15 किलो राशन खाता है 12 से 15 किलो राशन की जरूरत पड़ती है एक इंसान को महीने के लिए आप पांच किलो दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं बाकी के जो दस किलो या बारह किलो है दस किलो है या आठ किलो है वो मुझे बताइए वो ये लोग कहाँ से ले आए दिन में दस बार फोन आते हैं हमारी जी बिजली की बिलें हमारी जी आपने कहा एमनेस्टी हमने कर दी मुझे एक चीज बताइए एल जी साहब आपने एमनेस्टी की अब जो बेचारे बच्चे जो बेचारे लोग हैं जो दो लैम्प जिनकी ये है एक लैंप दो लैंप घर में चलाते हैं उनको भी आप हजार रुपये बारह सौ रुपये उनकी बिल आती है हजार से कम तो आज किसी बी पी एल वाले की भी बिल नहीं आती है मुझे बताइए हमारी स्टेट जो रिसोर्स के हिसाब से अगर हम देखे पानी के हिसाब से बिजली के हिसाब से बिजली यहाँ पे पैदा होती है यहाँ से आपकी हिंदुस्तान में बिजली जाती है रेस्ट ऑफ इंडिया में नॉर्दर्न ग्रेड से भारतीय सेना की सैंतालीस आर आर ने आज उम्मीद